देखो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। पिछले 2-3 दिनों से एक बवाल मूवी ट्रेंड कर रही है जिसका नाम दमन है और एक्चुअली में ये ओडिया फिल्म इंडस्ट्री की मूवी है। तो ऑनेस्टली कहूँ तो पहले नाम सुन के ऐसे ही लगा कि कोई नॉर्मल सी रीजनल मूवी होगी, पर जब मैंने इस मूवी के IMDB रेटिंग देखी तो मेरा दिमाग फटने लगा। यानी इस मूवी को IMDB पे फकिंग 9.8 की रेटिंग मिली है। तो जस्ट इमेजिन इस मूवी का कॉन्टेंट कितना दमदार और बवाल होगा। पॉइंट की बात करूं तो मैंने दमन का ट्रेलर देखा है, वो भी सबटाइटल के साथ। तो मैं इस बात को डंके की चोट पे कह सकता हूं कि अगर तुम्हें कांताराय जैसे डिवाइन मास्टरपीस पसंद आई है तो उसके बाद कोई बंदा दमन का ट्रेलर देखता है तो मैं डैम श्योर हूं कि वो बंदा दमन मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाएगा, क्योंकि ट्रेलर के अंदर क्वालिटी कॉन्टेंट नजर आता है। यानी तुम एक बार उस ट्रेलर की सिनेमेटोग्राफी देखोगे तो उसे देख के ऐसा फील ही नहीं होता है कि मैं कोई रीजनल मूवी का ट्रेलर देख रहा हूं। और ट्रेलर के अंदर विजुअल स्टोरी टेलिंग भी इतनी रियलिस्टिक है, उस माहौल को देख लिटरली ऐसा फील ही नहीं होता है कि ये कोई मूवी का सीन है। यानी इतने ऑर्गेनिकली इस मूवी की स्क्रीन प्ले की गई है, वो भी बिना किसी कमर्शियल मासी टच के साथ। पर उससे भी बड़ी बात ये है कि ये मूवी बेस है रियल स्टोरी पर। यानी इस मूवी के अंदर एक ऐसे कड़क डॉक्टर की स्टोरी हमें देखने को मिलेगी जो विलेज के फोकलोर्स को समझकर और कल्चर को जान के मलेरिया का इलाज करेगा, वो भी कोई नॉर्मल नहीं 150 से भी ज्यादा विलेजेस का, जिन्हें पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया है डिस्ट्रिक्ट से बिना कोई सुविधा के। और मूवी का यही जबरदस्त प्लॉट इसे मॉन्स्टर बनाता है। और इसके अलावा ट्रेलर को देखने के बाद इतना तो समझ आ ही गया है, मूवी की स्टोरी और क्लाइमेक्स को ऐसे ही गेस नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि एंड में कुछ तो बवाल चीज देखने को मिलेगा। देखो थोड़ा रिसर्च करने के बाद ये मुझे पता चला है कि 11 नवंबर को दमन मूवी के मेकर्स इस मूवी को पूरे इंडिया में 6 सिटीज में रिलीज करने वाले हैं। और अगर तुम एक बड़े सिटी में रहते हो तो तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारे आसपास के एरिया में ये मूवी लगी है या नहीं, क्योंकि ऐसे बवाल मास्टर कॉन्टेंट रोज रोज नहीं बनते। और अनफॉर्चुनेटली ये मूवी किसी भी OTT पे अवेलेबल भी नहीं। तो ये GVF के फैमिली की तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर कोई क्वालिटी मूवी या कॉन्टेंट लवर इस वीडियो को देख रहा है और बाय चांस उसकी सिटी में दमन ये मूवी लगी है तो सबटाइटल के साथ इस मूवी को देखना तो बनता है, क्योंकि आज के डेट में जो क्वालिटी कंटेंट और स्टोरी टेलिंग रीजनल मूवीज कम बजट के अंदर डंके की चोट पे दिखा रही है, उस चीज को करके दिखाना बॉलीवुड की चूतिया मूवीज की बस की बात नहीं। I mean, जब से मैंने दमन मूवी का ट्रेलर देखा है तब से मैं ये सोच ही रहा हूँ कि इस मूवी को कहाँ देखा जाए, क्योंकि दमन जैसा प्योर रियलिस्टिक ओरिजिनल कंटेंट रेयरली ही बनता है। अब देखो मुझे ओडिशा के फिल्म इंडस्ट्री का कोई आइडिया नहीं, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा कंटेंट उनकी इंडस्ट्री बना रही है तो उनको दबा के सेलिब्रेट करना चाहिए इस मूवी को पैन इंडिया में रिलीज कर, क्योंकि 9.8 की रेटिंग मिलना वो भी IMDB पे कोई जोक की बात नहीं है। सीरियसली दमन डिजर्व करती है पैन इंडिया रिलीज होना। तो अगर दमन मूवी को कड़क पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होते देखना चाहते हो तो #DamanPanIndiaRelease कमेंट करके इस मूवी को तगड़ा सपोर्ट कर सकते हो। तो इसी बात पे GBF के ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक करना, दिमाग में बैठा तो सब्सक्राइब कर ही देना, और इस वीडियो रिगार्डिंग कुछ बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कॉन्टेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय।